नवा बाजार प्रखंड क्षेत्र में नव वर्ष पूरे मस्ती उमंग और जोश के साथ मनाया गया, जिसमें सभी उम्र के लोगों में उत्साह दिख रहा था, लेकिन युवा लोग पूरे मस्ती और उमंग के मूड में थे। जगह जगह पिकनिक मनाया गया। वहीं ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ पप्पू गुप्ता, आशीष कुमार, साजन विश्वकर्मा, नसीब खलीफा, बिगन पाल, विक्की कुमार, आशीष सिंह के द्वारा नव वर्ष के स्वागत में केक काट कर किया गया। इस क्रम में नसीब खलीफा ने पिकनिक मना रहे लोगों से किया खास बातचीत। है कि पप्पू कुमार गुप्ता जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वह 2022 को किस नज़र से देखते हैं और उन्होंने 2021 में क्या क्या खोया और क्या क्या पाया, इसके बारे में वह डीपली जानकारी देंगे। तो पप्पू कुमार गुप्ता जी, 2021 तो मेरे लिए बहुत खतरनाक साल रहा जी। तो इसके अवसर पर 2022 में हम लोग केक काट कर शुभारम्भ कर रहे हैं ताकि हम लोग का अच्छे दिन रहे। सर, जैसे कि 2022 में देख रहे हैं जो कोरोना का नया जो है कि उसका वायरस जो है कि फैल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं 2022 के बारे में? देखिए, 2022 में तो 2019 से ही कोरोना परेशान किया हुआ है जी, जिसके चलते युवा लोग भी परेशान है जी, जिसके वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं जी। तो मोदी जी से भी कहेंगे कि थोड़ा कोरोना को कहना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं, किसी एक ही सरकार को कहना उचित नहीं है। हम यहाँ पे ये बोलना चाहेंगे, आप देख रहे हैं कि दिन में जो है कि हर जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ पे दिन में रैली हो रहा है और रात में जो है कि कर्फ्यू हो रहा है। तो ये क्या नज़ारा है? ये नज़ारा जो है हम युवा लोग को पसंद नहीं है। हम ये नहीं चाहते हैं कि ओमिक्रॉन वेरियंट के चलते है दिन में रैलियाँ हो और रात में हम युवा को परेशान के लिए कर्फ्यू लगे। ये हम सबसे अपील करना चाह रहे हैं कि ये रैलियाँ और ये दो तरफा व्यवहार हम लोग को नहीं चाहिए।